हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महिमा किचन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी दो तरीके से यहाँ पर आज मैंने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज और मैंने ग्रीन चटनी के लिए, जो ग्रीन चटनी लच्छा बनाऊंगी ये उसकी रेसिपी, यहाँ पर मैंने ले लिया दही और हरी भरी धनी की पत्ती, और ये है मसाला लच्छा की। यहाँ पर मैंने ले लिया है कश्मीरी पाउडर, नमक, चाट मसाला और लेमन जूस। तो आगे बढ़ते दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज के छिलके को उतार लेना है बिल्कुल इस तरह से, आप देख सकते हो। फिर एक एक करके इसे गोल गोल कट कर लेना है, जैसे मैं कट कर रही हूँ, पतले पतले करने हैं। फिर एक बोल ले ले, उसमें एक एक करके प्याज के लच्छे को निकाल लेना है बिल्कुल इस तरह से, आप देख लो यहाँ पर मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर आपको एक लेना है बोल, उसमें डाल देना है आइस और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है, और वो क्यों? अब इसमें आपको डाल देना है प्याज, वो मैं आपको बताती हूँ इसलिए क्योंकि प्याज में एक टिपिकल स्मेल होती है, उसके पानी में बर्फ़ में पड़ते ही प्याज की वो स्मेल भी चली जाती है और प्याज थोड़ा सा क्रंची भी हो जाता है। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप भिगा कर छोड़ दे, सेम एज मसाले लच्छे की लिए भी हम लोग इसी तरह से प्याज को बर्फ़ में डीप करके रख देंगे। तो बढ़ते आगे चटनी की रेसिपी की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ले लिया ग्राइंडिंग जार, इसमें डाल दिया धनी की पत्ती, जीरा, नमक और चाट मसाला। अब हम क्या करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और एक बोल में हम चटनी को डाल देंगे। फिर हम इसमें एक चम्मच दही लेंगे, जिस हिसाब से आपका प्याज का क्वांटिटी रहेगा उसी हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दही डाल के अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर दिया है। यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है प्याज। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो बढ़ते आगे मसाले लच्छे की तरफ। मैंने प्याज को पहले ही बर्फ़ में भिगा लिया था, आप देख सकते हो ये काफ़ी फ्रेश दिख रहा है। अब मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी पाउडर, नमक, अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, फिर उसमें आपको डाल देना है लेमन जूस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है एक चम्मच लेमन जूस। अब इन सबको मिक्स कर देना है और ये फटाफट हमारा मसाला लच्छा प्याज भी बनकर रेडी हो गया और ग्रीन चटनी लच्छा भी बनकर रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।